मेरी अखियां करे इंतजार, पलकों का घर मेरी पलकों का घर है। बाबा, इस दरबार में कोई ऐसा भी आया होगा जिसकी जेब खाली होगी लेकिन मन भरा हुआ होगा और इस विश्वास के साथ आया होगा कि ये खाटू वाला पैसे वालों का नहीं, दिल वालों का है। और आप अगर इनके हो, ये महम में छोटे छोटे भाइयों ने, आपके छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर ये कीर्तन कराया है। हरियाणा की जवानी जिंदाबाद रहे साहब, क्या बात है। मैंने अभी एक नया भजन और लिखा है, कभी फागण में आया कभी ग्यारस पे आया, कभी तुम भी मेरे घर आया करो और कभी भक्तों से मिलने आया करो जी, कभी भक्तों से मिलने। उसके अंदर लिखा, बचपन बीता आई जवानी हर दम तेरा ध्यान धरा, बचपन बीता आई जवानी हर दम तेरा ध्यान धरा, तूने ही तो खाटू वाले पूरा हर एक काम करा, तुझे भोग लगाऊं तुझे चरण धुराऊं, कभी ऐसा मौका दिया करो जी, कभी भक्तों के घर भी आया करो जी, कभी भक्तों के घर भी। तो यार सब आपके लिए लिखता हूं मैं साहब, आओ जो जो बुलाएंगे बाबा को अपने घर में कौन कौन बुलाएगा, आओ जरा। मैंने ये तो शाम से आए हैं, पिछले लॉकडाउन में तो शाम की बुकिंग थी और मैंने तो शाम आना भी था, लेकिन ये समझना तो शाम आया ना आया, वो शाम आज यहां आ गया। मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे, 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 पलकों का घर तैयार सांवरे, कैसे बुलाओगे? आजा शाम आजा शाम। देखो जिसका ध्यान ना हो, कीर्तन में ना हो, गंगा जी बह रही है, कोई डुबकी लगाए ना लगाए, हमारा क्या कसूर। हारे बाबा, जिस जिसके घर आओगे दोनों हाथ उठा रहे हैं, ये जरा ताली, ये बात, ये बाबा बोला तू खांडू आ जा, मुझे महम में क्यों बुलाता है? तो भगत बोला, खाटू में तो भीड़ बहुत है नंबर नहीं है लगता, खाटू में तो भीड़ बहुत है नंबर नहीं है लगता। दो घंटे की लाइन में कौन कौन खड़े हुए हैं खाटू में? वाह जी वाह, 8 घंटे की, सच बताना। और वीआईपी, ये बात, ये असली दर्शन है। हम जैसे लोग तो 3 मिनट में घुसते हैं, 2 मिनट में बाहर, ये भी नहीं पता लगता धक्का मार के अंदर गए थे धक्का मार के बाहर। लेकिन आप लोग, एक वीआईपी आदमी 56 भोग लेके जाता है 10 घंटे की लाइन, क्या बात है। सुनना बाबू जी, बाबा का प्रेम 10 घंटे की लाइन के भगत के लिए। एक वीआईपी आदमी 56 भोग लेके आता है पैसे खर्च करके, और एक आदमी साथ में लेके आता, ले आ जा
आजा 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 रख दे पापा ले लो उठा चल आजा 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 हैं। और मरे रहने की जाटनी अपने हाथों से मुसल से कूट के चूरमा बनाती है, थाली में धरती है, थाली के ऊपर न्यातना लगाती है और थाली को सिर पे धर के 8 घंटे की लाइन में लग जाती है और टप टप पसीना टपकता है और जैसे ही बाबा दिखता है थाली को नीचे लेती है, चूरमे का लाडू बना के ले रहे बाबा तेरे खातर बना के लेके आई थी। और श्याम बाबा भी वो 56 भोग बाद में खाता है, पहले वो चूरमा खाता है जो भगत लेके आता है। खाटू में तो भीड़ बहुत है, नंबर नहीं है लगता। खाटू में तो भीड़ बहुत है, नंबर नहीं है लगता। जी भर कर हम देख न पाते जब भी बाबा सजता। जिनके जिनके चश्मे लगे हैं उनके लिए बेनिफिट है, दिखाओ जरा। जिनके चश्मे लगे हैं मंदिर में जाया करो, है? 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 पीछे से कोई धक्का भी नहीं देगा, बोला कम दिखता है थोड़ी देर खड़ा रह लेने दे। जी भर कर करूंगा दीदार सांवरे, कौन कौन खुले दर्शन करना चाहता है बाबा के, जरा ताली बजाइए। जी भर कर करूंगा जिंदगी के दुखों से कभी उदास नहीं होते, जिंदगी के दुखों से महम में रहने वाले, हरियाणा में रहने वाले, मेरे हरियाणा में रहने वाले कभी उदास नहीं होते। इन हाथों की लकीरों पे भरोसा मत करना, क्योंकि तकदीरें उनकी भी होती है जनाब जिनके हाथ नहीं होते। मुजफ्फरनगर में कीर्तन था, यूपी में एक भगत चद्दर ओढ़ के 1.5 घंटे तक नाचता रहा। मैंने उससे पूछा, भाई 1.5 घंटे हो गए तुझे नाचते हुए, पागल है क्या? बोला, भाई साहब बाबा ने दोनों हाथ नहीं दिए, रिझा नहीं सकता लेकिन टांगे तो दी है, नाच कर तो रिझा सकता हूँ। हम तो प्रेमी है बाबा के दोनों हाथ उठा के। अरे नहीं होना था, हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार, सामने हो गया है मुझे प्यार। किस किस को प्यार हुआ है? भजन नहीं गाता था मैं पहले, लेकिन सच बताऊं निशान यात्रा हुई 19 तारीख को, कौन कौन था उसमें? हाँ, एक भगत मध्य प्रदेश का मिला, बोला कन्हैया जी आप यकीन मानना, आप भी ध्यान से सुनना सारे। बोले मेरी गुंजाइश नहीं है खाटू आने की, 2500 रुपए उधार मांग के किसी दोस्त से खाटू आया हूं निशान यात्रा में भाग लेने। मैं कहा क्यों आया? बोला मुझे आपने आपके भजनों से ऐसा महसूस करवा दिया कि अगर उसके लिए उधार मांग के आऊंगा तो उसको उद्धार करना पड़ेगा, उसको उद्धार करना पड़ेगा। हे बाबा
यहाँ जितने भगत बैठे हैं ये उद्धार करवाने आए हैं, इनको किसी से उधार ना मांगना पड़े, ये मांगे तो बस आपसे मांगे, किसी और से ना मांगे। जो भी तुम्हारे दर पर आता संग उसके चल पड़ता, जो भी तुम्हारे दर पर आता संग उसके चल पड़ता।